कहते हैं कि सिकंदर कभी हालात के आगे नहीं झुकता और तारा टूट भी जाए तो वो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। नमस्कार दोस्तों, रजिस्ट्रेशन अकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज में भर्ती हेतु निकाले गए लेक्चरर पद के लिए जो है एग्जाम की तिथि और उससे संबंधित जो है आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। इसमें एक समस्या यह है कि विभिन्न प्रकार के विषयों के लिए अलग अलग सिटी का निर्धारण किया गया है, जिससे कुछ लोगों को समस्याएं हो सकती है। लेकिन अगर आपको अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है तो वह उज्जवल भविष्य के सामने छोटा होगा, तो उसके लिए आपको शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना होगा। परंतु एग्जाम के पूर्व में हम कुछ सावधानियों पर चर्चा करेंगे जो कि इस एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले तो हम जो आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की PGT और यहाँ पर राजकीय के लेक्चरर के बीच में थोड़ा सा जो है अंतर को देखने का जो प्रयास करेंगे, अंतर को थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। आपकी एग्जाम की तिथि जो है वो 19/9/2021 निर्धारित की गई है और दोनों के बीच में जो अंतर है, बेसिकली माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जो PGT के एग्जाम आयोजित होते हैं उसके माध्यम से आप अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के पद पर चयनित होते हैं। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय का तात्पर्य क्या है और यहाँ पे राजकीय विद्यालय का, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जिन्हें पूर्व में प्राइवेट स्तर पर जो है किसी निजी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया होता है और बाद में उसे जो है मान्यता प्रदान किया गया होता है, ग्रांट पर उस विद्यालय को मान्यता प्रदान किया जाता है, तब उस विद्यालय के लिए जो वेतन की जो व्यवस्था है वो सरकार के द्वारा किया जाता है और सरकार के बजट से उनको वेतन दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर जो है प्रबंधन की व्यवस्था होती है, एक प्रबंधक की व्यवस्था होती है और वह प्रबंधक ही जो है आपका नियुक्ति पत्र जारी करता है और इसी के आधार पर जो है आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो वहाँ पर एक प्रबंधक की जो है एक मीडिएशन की व्यवस्था होती है, मध्यस्थता की स्थिति होती है, जो कि भर्ती करने के बाद जो है विद्यालयों में आपको छुट्टी और अन्य सभी प्रकार के जो है सुविधाएं सैंक्शन करता है। लेकिन जब आप जो है राजकीय विद्यालयों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है आयोजित होने वाले इस लेक्चर परीक्षा के द्वारा जाते हैं तो वहाँ पर प्रबंधक या इस तरीके की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना आपको नहीं करना होता है। आप सीधे जो है जिला स्तर की जो है शैक्षिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है प्रशासित होते हैं। मैं वर्तमान समय में जो है जिले स्तर पर माध्यमिक शिक्षा में जो है एक अधिकारी के रूप में जो है तैनाती मेरी है, तो ऐसी स्थिति में मैं इस विषय को जो है समझ रहा हूँ और आप लोगों के लिए बता रहा हूँ कि यह एग्जाम आपके पॉइंट आपके जो है फ्यूचर के लिए, आपके सर्विस में शांति के लिए और बिना किसी जो है बाधा के नौकरी करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपके पास जो भी अभी समय बचे हुए हैं 9 दिन या 10 दिन मान कर आप चल सकते हैं, तो उसमें जो है कुछ सावधानियां हैं जिसे आपको अपनाना है ताकि आप जो है आए हुए लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है इस पद के स्वर्णिम भविष्य के लिए आप अपने आप को जो है तैयार कर सकते हैं। तो ये बातें आपको जो है रही अंतर के बारे में कि जो PGT यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से और यहाँ पर राजकीय जो विद्यालयों में जो है प्रवक्ता पद के लिए भर्ती हो रही है इंटर कॉलेजेस में, उसके बीच में जो है अंतर आपको समझ में आए। कुछ सावधानियां हैं, सावधानियों के रूप में हम ये देखेंगे कि अब जो समय बचा हुआ है 9 से 10 दिन का, अब उसमें पहली बात तो यह है कि आपको अब किताब को जो है पढ़ना जो है अब बंद कर देना होगा। दूसरे स्तर पर जो है आपको पूर्व में पूछे गए प्रश्नों को बहुत ही बेहतर ढंग से जो है अध्ययन कर लेना होगा, रिवाइज कर लेना होगा, क्योंकि आप मान करके देखिए और पूर्व के 10 से 15 वर्षों के जो पेपर का अगर विश्लेषण करके देखेंगे तो कई सवाल सीधे और कई सवाल जो है अप्रत्यक्ष रूप से जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उस सवालों को लेकर के एक कॉन्फिडेंस आएगा, उसमें समय कम लगेगा और अन्य सवालों पर समझने के लिए आपके पास समय बचेगा। तो कम से कम जो 7 प्रकार के जो है एग्जाम में पूछे गए सवालों को हम यहाँ पर कवर करने का जो है प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि यह राजकीय विद्यालयों में भर्ती हो रही है, तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि सबसे पहले जो है राजकीय विद्यालयों में लेक्चरर के रूप में अभी तक जो भी जो है भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई है उसका आपको जो है अध्ययन करना होगा। और इसी तरीके से वहां पे जो डिग्री कॉलेजेस के लिए जो है अभी तक एग्जाम हुए हैं उनके लिए जो है
परीक्षा जो में पूछे गए सवाल हैं उनको भी आपको जो है देखना होगा, क्योंकि ये लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, तो इस बात की संभावना है कि यहाँ पर जो एग्जाम हो रहा है वो यहाँ से भी सवाल को जो है आपके उठाकर पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों के जो अभी तक जो लेक्चरर के एग्जाम हुए हैं इंटर कॉलेज में वो प्लस डिग्री कॉलेज के, क्योंकि वहाँ पर दोनों ही पदों के लिए लेक्चरर शब्द का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटर कॉलेज के लिए जो है आपके लिए जो भर्ती आई हुई है और यहाँ पे डिग्री कॉलेज के लिए जो पूर्व में परीक्षा उन्होंने करवाया है उन दोनों ही जो है परीक्षाओं में पूछे गए सवालों का अध्ययन करना होगा। प्लस इसके साथ में जो है और कुछ एडिशनल चीजें हैं उसे देखना होगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो पीसीएस के एग्जाम करवाते हैं तो उसमें जीएस के जो पेपर होते हैं उन जीएस के भी जो है प्रश्नों के आधार पर आप घटना चक्र की बुक लेंगे। अगर आप सोशल के जो है विद्यार्थी हैं तो जैसे मान के चले अगर हिस्ट्री है तो वहाँ हिस्ट्री में जीएस का जो है घटना चक्र आता है, और यहाँ से सवाल आपके जो है इस परीक्षा में जो है पूछे जाएंगे और पूछे जाते रहे हैं। तो यहाँ पे जीएस वाले प्रश्न को भी जो है कवर करना है, और प्लस जो है पूर्व में 2010 और 11 तक जो है लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में सब्जेक्ट का जो भी एक पेपर करवाता था तो पूर्व में जो पूछे गए सवाल हैं उनका भी अध्ययन, क्योंकि वहां से जो है इसमें सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि उसमें सिद्धांत से भी जो है संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते थे, थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते थे, और थ्योरी आपके जो इस लेक्चर में एक सिलेबस के रूप में रखा गया है। तो आपको जो है यहाँ पे पीसीएस प्री में जो है सब्जेक्ट के जो पेपर हुए हैं अब तक जो है उस पर आपको जो है कंपिटेटिव एग्जाम के जो है दुकानों पर पुराने समय की भी किताबें मिल जाएंगी, क्योंकि उनके इंपॉर्टेंस के कारण से अभी भी वो किताबें पब्लिश हो रही हैं। तो आपको जो है राजकीय विद्यालयों से संबंधित चार एग्जाम हुए, एक तो राजकीय विद्यालयों में इंटर कॉलेज में अब तक लेक्चरर के लिए जो भी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं वो, प्लस डिग्री कॉलेज के लिए जो आयोजित हुई हैं, प्लस जीएस का पेपर जो पीसीएस में होता था उस पे आधारित जो घटना चक्र की बुक, और इसी तरीके से पीसीएस में जो सब्जेक्ट अभी तक पूछते थे उससे संबंधित सवालों को बेहतर ढंग से अध्ययन कर लेना है। और यहां से यकीन मानिए कि आपके पास एक कॉन्फिडेंस बनेगा, तो जो भी आपके पास समय है उसमें आप इसको देखेंगे। प्लस कुछ अतिरिक्त चीजें भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक तो नेट में जो क्वेश्चन अभी तक वैकल्पिक स्तर पर जो है परीक्षाएं आयोजित हो रही हैं नेट के लिए, और यहां पे जो सवाल अभी तक जो है सेकंड और इस तरीके से थर्ड पेपर होते हैं वहां पे उनको भी आपको देख करके चलना होगा, क्योंकि यहां के भी सिलेबस कम बेस जो है वो इसी पैटर्न से मिलते हैं, एक दो टॉपिक इधर है लेकिन ज्यादातर टॉपिक आपके सेम इसी जो है सिलेबस से मिलते हैं, तो इसका अध्ययन भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। प्लस इसके बाद जो है आप दो और परीक्षाएं हैं पीजीटी, अब यहाँ पर पीजीटी का मतलब आप माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पीजीटी से है, और टीजीटी भी जो है देख सकते हैं उसी संबंधित विषय का, क्योंकि आप में जो है 62 से 63 क्वेश्चन जो है टीजीटी में दो सोशल के कम्बिनेशन और कुछ विषयों में टोटल का टोटल क्वेश्चन जैसे मैथ वगैरह हो गया तो वहाँ पे पूरा पूछता है। तो आपको ये जो है 7 जो है एग्जाम हो गए, 4 राजकीय के और 3 अलग से, एक नेट के, पीजीटी और टीजीटी, तो इस तरीके से 7 जो है 7 एग्जाम हो गए और आपके पास अब बचे हुए हैं 9 से 10 दिन। तो डेफिनेटली इसके लिए जो है अगर एक एक दिन में आप एक एक एग्जाम के जो है सिलेबस पर आधारित जो परीक्षा में पूछे गए सवाल है उनका अध्ययन करने का प्रयास करते हैं तो बेहतर स्थिति में आप पहुंचने वाले हैं, एक बेहतर आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देने वाले हैं। तो ये रही जो है आपके लिए जो है कुछ चीजें जिसे आपको अब पढ़ाई के दौरान जो है अपनाना है, और इसके बाद जो है कुछ सावधानियां हैं और वो सावधानियां मैं आपको भी हाल में जो है संपन्न हुए टीजीटी एग्जाम के आधार पर दे रहा हूं, इसलिए वो आपको सावधानी परीक्षा के दौरान अपनाना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है, नंबर एक की प्रश्न को जो है आपको पूरा पढ़ना है बहुत ही सावधानी से, हर प्रश्न को पढ़ते समय आपको ये ध्यान में रखना होगा कि हम पूरा प्रश्न पढ़ रहे हैं, और पढ़ना ही पढ़ना होगा। विकल्प जो है विकल्प आपको जो है चारों देखने हैं, चारों विकल्प देखने, भले ही प्रश्न को पढ़ने के दौरान एक विकल्प आपको लगता है कि ये सही है लेकिन आपको जल्दबाजी में टिक नहीं लगाना है, क्योंकि आप जो है विकल्प में सर्वोत्तम का चयन करते हैं, इस बात की संभावना हो सकती है कि किसी विकल्प में दो उत्तर हो लेकिन आपको वहां पे सबसे सही, क्योंकि कई बार इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं प्रवर्तक और समर्थक, तो भाई जो उसका जो प्रतिपादक है किसी भी विचारधारा का प्रतिपादक एक व्यक्ति होता है लेकिन समर्थक उसके बाद में कई हो सकते हैं, तो उस विचारधारा से संबंधित अगर पूछता है
तो उसमें कई लोग अगर नाम है तो जो प्रवर्तक है, जो उसका प्रतिपादक है, वो पहले नंबर पे आएगा, लेकिन समर्थक में कई लोग हो सकते हैं। इसलिए इन सभी बातों के अंतर को समझने के लिए आपको चारों विकल्प का अध्ययन करना जो है जरूरी होगा। प्रश्न ये तभी कर पाएंगे जब आप प्रश्न पूरा पढ़ें, नहीं तो ऐसी भी संभावनाएं होती हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं या इसमें क्या चीज़ें नहीं हैं, तो है और नहीं में भी कई बार कन्फ्यूजन होता है। तो इस तरीके से आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। और अंत में जो है आपको गोला जो है भरने में, यानी कि बबल फिल करने में जो है आपको अत्यंत सावधानी जो बरतनी होगी। आप जो भी प्रश्न जो है प्रश्न पत्र से देखते हैं, उसी प्रश्न पत्र के प्रश्न की संख्या को आप OMR सीट में जरूर मिलान करेंगे। एक तो आपका हो गया OMR सीट हो गई, और दूसरा जो है वो प्रश्न पत्र हो गया। अब आप यहां से प्रश्न, आप जो है बुकलेट से पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि हम 63 क्वेश्चन नंबर 63 पे क्या कर रहे हैं। अब यहां इसका मिलान क्वेश्चन नंबर 63 पर होना चाहिए, और उसी के सामने आप जो है गोला भरेंगे। नहीं तो पता, ऐसे कभी कैंडिडेट हैं जो यहां से एक क्रम से उठाते हैं और एक क्रम से यहां भरते जाते हैं, ऐसी स्थिति में गलती होती है, क्योंकि अगर यहां पे एक सवाल आपने छोड़ दिया है तो वो वहां पर जो है क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, तो आप एक क्वेश्चन पीछे हो जाएंगे और ऐसी स्थिति में आपके ढेर सारे सवाल गलत हो सकते हैं। अभी हाल में संपन्न हुए जो TGT के एग्जाम में ऐसे कई कैंडिडेट हैं जिनके इस तरीके से 5 से 7 सवाल गलत हुए, बहुत ही अच्छा में गलती से मानी जाती है, क्योंकि आपको TGT और PGT के एग्जाम इत्यादि में जो है एक भी सवाल गलत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां थी, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सावधानियां अच्छी लगी होंगी और आप इसे अपनाने का प्रयास करेंगे और इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज में जो है निकले हुए इस पद पर जो है अपने दावेदारी को मजबूती के साथ पेश करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, उम्मीद करता हूं कि आपको इससे लाभ मिलेगा और आप अच्छे पदों पर पहुंचने में जो है सफल होंगे। पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।